तो दोस्त आप हो विंडोज 10 की यूजर और आप यूज करते हो टास्क मैनेजर को क्या करने के लिए, प्रोग्राम्स को बंद करने के लिए ऑब्वियसली कभी कभार, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। ऐसे आप लोग को 11 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर जो आपको 100% पसंद आएगा। तो चलिए एक एक करके सारे ट्रिक्स को देख लेते हैं यार, चलिए एक स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सोम विश्वास, आप देख रहे हो फ्रेश अपडेट्स कंटेंट चैनल का। तो क्या कर रहे हो, लाइक प्रेस कर दो, और लाइक एम है 120 लाइक्स आप लोग पूरा कर दोगे मुझे 100% गारंटी है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं हो चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी आपको टेक रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के अंदर मिलती रहेगी जो कि बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और अगर आपने शेयर करना है ना, तो डायरेक्टली नीचे फ्री शेयर का बटन है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि मुझे थोड़ी बहुत जो है और सब्सक्राइबर मिल पाए और ऐसी कंटेंट आप लोग के सामने मैं देता रहूं। हमें टास्क में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार विंडोज 10 के अंदर, तो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको तो जाननी चाहिए 2020 में, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो। तो अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो बहुत कुछ मिस कर सकते हो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों टास्क में के ट्रिक्स के बारे में बताने से पहले आप लोगों को जाननी चाहिए कि टास्क मैनेजर को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहला जो है यहाँ पर नीचे टास्क बार जो है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, टास्क मैनेजर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से स्टार्ट मेनू के ऊपर अगर आप लोग राइट क्लिक करते हो तो यहाँ से आप लोगों को टास्क मैनेजर मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, टास्क मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन एक साथ प्रेस करने से टास्क मैनेजर जो है खुल जाता है। तो अभी जो है टास्क मैनेजर ऐसा आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा नहीं दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर आपको फुल फ्लेजेड जो है ना टास्क मैनेजर चाहिए, तो यहाँ मोर डिटेल्स में क्लिक करना है, करने के साथ साथ आपके सामने ये पेश हो। तो दोस्तों पहला जो ट्रिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो यहाँ पर देखो यार, जैसे कि यहाँ पे VLC प्लेयर चल रहा है ना, इसको अगर आप लोग यहाँ से ही कंट्रोल करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ना, ये एरो जो है अगर इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ से जो है ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो, स्विच टू कर सकते हो, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से करते हो। अगर ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं तो ये सामने आ जाता है, और उसके बाद फिर से अगर हम लोग यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्टली जो इसको मिनिमाइज भी कर पाएंगे। तो ये सब ट्रिक आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन होती है ना जो कभी कभी हमारे विंडोज को हैंग कर देता है। दोस्तों अभी मान लीजिए आपका ये VLC प्लेयर जो है ये नॉट रिस्पॉन्डिंग हो चुका, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन नॉट रिस्पॉन्डिंग अगर होता है तो अब आप इसको कैसे क्लोज करोगे। बाहर से आप क्लोज कर रहे हो, क्लोज नहीं हो रहा है, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हो। राइट क्लिक करो, एंड टास्क में क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे गो टू डिटेल्स का बटन है, यहाँ पर जाओगे ना तो ये आपको जो है डिटेल्स टैब में ला देगा। डिटेल्स टैब में लाने के बाद आप यहाँ से इसको डायरेक्टली मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है जो एक एक करके आप लोग देख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ से एंड टास्क करोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं होता, यहाँ पे एंड प्रोसेस ट्री का जो ऑप्शन होता है ये प्रेस करने से क्या होगा, सारे जितने भी इसकी फाइल्स है जो चल रही है वो सारे बंद हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एंड प्रोसेस ट्री, हाँ एंड प्रोसेस ट्री, उसके बाद ये जो है डायरेक्टली बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जरूर जरूर इसको यूज कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। तो चलिए नंबर 2 ट्रिक देख लेते हैं। नंबर 2 ट्रिक जो है, यहाँ पर अगर बात करते हैं कि हम लोग फाइल मैनेजर को खोल के रखा है, तो फाइल मैनेजर को आप लोग रीस्टार्ट कर सकते हो। वो कैसे, तो जैसे कि आपको यहाँ पर प्रोसेसर के टैब्स में एप्स के अंदर आप लोग को विंडोज एक्सप्लोरर दिखाई दे रहा है, जैसे कि विंडोज एक्सप्लोरर एक एप्लीकेशन ही है विंडोज के अंदर, तो इस एप्लीकेशन को आप लोग रीस्टार्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करके रीस्टार्ट बटन में क्लिक करना है, उसके बाद जो डायरेक्टली आपकी जो फाइल मैनेजर है वो रीस्टार्ट हो जाती है। और जितने भी पॉसिबिलिटी होती है ना, कभी कभार जी फाइल मैनेजर हैंग हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम से आप लोग छुटकारा पा सकते हो। दोस्तों कभी कभी ऐसा एप्लीकेशन होता है ना जो कि हमारे विंडोज़ में रन होता है, हमें पता नहीं होता है वो क्या होता है, लेकिन आपको अगर ये ऑनलाइन सर्च करना है तो वो भी आप लोग ईजिली कर पाओगे। तो ये करने के लिए आपको यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑनलाइन का ऑप्शन है, उस पर अगर टैप करते हो तो डायरेक्टली जो है आपका रिजल्ट जो है दिखाई देगा। ये क्या चीज़ है, सारी चीज़ें जो है डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट आपको दिखा देगा, जिससे आप लोग पढ़ के सारी चीज़ों को समझ सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप चाहते हो ना किसी भी सॉफ्टवेयर को देखना कि कहाँ पर वो बिलोंग करता है, कौन सी जगह पर लोकेटेड है, तो कुछ नहीं करना है यार, राइट क्लिक करो और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है ओपन फाइल लोकेशन, क्लिक करो, साथ ही साथ उस फोल्डर में आपको लिया जाएगा जहाँ पे वो इंस्टॉल्ड है। तो डायरेक्टली आप लोग किसी भी फाइल को इजीली लोकेट कर पाओगे। तो दोस्तों उसके बाद जो मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोग को, ये बहुत ही काम में आने वाला है। देखो यार, ये जो परफॉर्मेंस टैब है ना, ये परफॉर्मेंस टैब के अंदर आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह दिखाई दे रही है, अलग अलग सेक्शंस यहाँ पे है, जैसे कि मेमोरी की अलग, डिस्क की अलग, उसके बाद मोबाइल की अगर नेटवर्क कनेक्टेड है, उसके
अलग, जीपीयू की अलग, ये सब आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो इसकी वैल्यूज वगैरह कितनी टाइम ये चल रही है। जैसे सीपीयू के सेक्शन की बात करें तो कितनी परसेंट यूज हो रही है, कितनी स्पीड है, तो सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिक है, यहाँ पर अगर आप लोग राइट क्लिक करते हो किसी भी सेक्शन में तो यहाँ पे आप लोग को हाइड ग्राफ्स का ऑप्शन आता है, ये क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो ना ग्राफ नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ आप लोग को डिटेल्स दिखा रहा है। अगर आप लोग इससे भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहते हो ना, बहुत ही कम ऐसे स्लाइटली, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके समरी व्यू में अगर क्लिक करते हो तो ऐसा कुछ आ जाता है। अगर आप वहाँ पे ग्राफ्स को ऑफ कर देते हो और उसके बाद जो है समरी व्यू खोलते हो तब आप बैक नहीं जा सकते, एस्केप बटन प्रेस करना होगा, वो गायब हो जाएगा। लेकिन अभी मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आपने इस ग्राफ को शो ग्राफ्स ऑप्शन को ऑन कर दिया और उसके बाद जो राइट क्लिक करके समरी व्यू करते हो और फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप लोग जो है टास्क मैनेजर में बैक आ सकते हो। ये शायद कुछ प्रॉब्लम है या ट्रिक है, मुझे पता नहीं, बट ये जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो जरूर ट्राई करना। अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों परफॉर्मेंस टैब में नीचे की तरफ लोग देख पा रहे हो रिसोर्स मैनेजर मॉनिटर, इसके अंदर अगर आप लोग क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, सारे चीज़ों को आप लोग यहाँ से देख सकते हो, क्या काम कर रहा है, कहाँ पे कितना बाइट्स रिसीव हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हो। तो ज़रूर से ज़रूर ये वाली चीज़ जो है ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको चाहिए है तो ये सब चीज़ ज़रूर देखना। तो यहाँ पर ही बात करें ना कुछ ऐसी, अगर आपको मेमोरी की डिटेल्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आप लोग राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो और उसके बाद जो है आप नोट पैड या फिर वर्ड प्रोसेसर किसी भी आप लोग टेक्स्ट एडिटर में जाकर इसको पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। सारी डिटेल्स जो है आपकी रैम की सारी यहाँ पर दिखाई देगी, जो कि आप लोग किसी भी बंदे के साथ शेयर वगैरह करना चाहते हो या फिर खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर खुद पर्सनल चीज़ों के लिए देखना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग सारे डिटेल्स को जो है यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टार्टअप का एक ऑप्शन है, अगर आप लोग नहीं जानते हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो पहले से एनाबल्ड होती है, जैसे कि मैं अभी एनाबल करके आपको दिखाता हूँ, ऐसे एनाबल्ड होती है तो ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी जो मेरा लास्ट टाइम बायोस रीड हुआ था, जैसे मैंने कंप्यूटर को ऑन किया था तो बायोस ऑन होने में, विंडोज़ को कंप्लीटली ऑन होने में 3.9 सेकंड लगा था। तो ये चीज़ जो है इफेक्ट करता है। अगर स्टार्टअप में कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो मुझे स्टार्टअप में नहीं चाहिए, मुझे जब चाहिए होगा मैं उसको डायरेक्टली ओपन कर सकता हूं, तो उस तरीके की एप्लीकेशन को हमेशा आप लोग को जो है डिसेबल कर देनी चाहिए। जैसे कि ये EOS यूटिलिटी मुझे सब टाइम नहीं चाहिए ये कि स्टार्टअप में ही ऑन हो जाए, तो यहाँ से आप लोग नीचे क्लिक करने के बाद नीचे आप लोग डिसेबल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से डिसेबल कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन है क्लिक कर दो, डिसेबल हो जाता है। और उसके बाद जो है और कुछ अगर ये जावा अपडेटर नहीं चाहिए मुझे, इसको भी डिसेबल आप लोग इजीली कर पाओगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से आकर जो है मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें प्रोसेसर्स की, जैसे कि गूगल क्रोम आप लोग को दिखाई दे रहा है ना मेमोरी 38% यूज़ कर रहा है और कितनी साइज यूज़ हो रही है वो भी दिखा रहा है 730 MB। तो इसको अगर परसेंटेज में देखना है वो भी आप लोग कर पाओगे, इसको राइट क्लिक करना है या फिर रिसोर्स वैल्यू जो है इसके अंदर में मेमोरी टैब के अंदर परसेंट में अगर क्लिक कर देते हो तो आप देख पा रहे 12% यूज़ कर रहा है। अगर आप इसको चाहे तो फिर से आप लोग जो है मेमोरी में सिलेक्ट कर सकते हो या फिर वैल्यूज़ में क्लिक करो और साथ ही साथ जो है वैल्यूज़ में आ जाएगा। और एक ट्रिक में बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे प्रोसेसर टैब में आप लोगों को यहाँ पे नेम, स्टेटस, सीपीयू, मेमोरी, ये सब चीज़ें हैं ना और बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर पाओगे, यहाँ पे आकर सिर्फ आप लोग को राइट क्लिक करना है। आप लोग देख पा रहे हो कितने सारे चीज़ें आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुझे कुछ यहाँ पे अलग अलग चीज़ें चाहिए, जैसे कि प्रोसेस नेम चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना प्रोसेस नेम का एक अलग टैब ऐड हो गया। अगर इसको क्लोज करना है तो सिंपली आपको वहाँ पे फिर से क्लिक कर देना है, ये डायरेक्टली चला जाएगा। तो अभी जब आप लोग टास्क मैनेजर खोलते हो ना तब आपको जो है ये प्रोसेस टैब दिखाई देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है परफॉर्मेंस टैब मेरा खुलता है, मैं चाहता हूँ कि नहीं जब खुले तो प्रोसेस टैब खुले। मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ, तो पहले राइट क्लिक करते हैं टास्क मैनेजर में जाते हैं, जाने के साथ साथ देख पा रहे हैं परफॉर्मेंस टैब में डायरेक्टली ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, अभी मुझे प्रोसेस टैब में चाहिए। तो ये कैसे करोगे, ये ऑप्शन में जाओ, उसके बाद सेट डिफ़ॉल्ट टैब जो है यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्ट कर दो आपको कौन सा चाहिए। जैसे मुझे प्रोसेस चाहिए, अभी मैं इसको क्लोज करके फिर से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाएंगे तो आप देख पाओगे प्रोसेस में आ गया। आप किसी भी टैब में चाहे इसको सेट एज अ डिफ़ॉल्ट कर पाओगे, तो ट्राई करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप लोग टास्क मैनेजर खोलते हो ना तो यहाँ से फाइल में अगर क्लिक करते हो ना यहाँ से आप लोग टास्क को रन कर सकते हो। अगर आपको पता है कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको कभी कभी ऐसी ब्लैक स्क्रीन हो जाती है और एक्सप्लोरर खुलता नहीं है, तब जाके ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप टाइप करोगे ना एक्सप्लोरर,
.exe और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर जो है डायरेक्टली खुल जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग कोई भी एप्लीकेशन चाहे उसका अगर आप लोग को नेम पता है तो आप लोग डायरेक्टली रन कर सकते हो, जैसे कि vlc.exe तो VLC प्लेयर खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी एप्लीकेशन की अगर आप लोग को प्रोसेस नेम पता है तो आप लोग डायरेक्टली उसको डायरेक्टली यहाँ से रन कर सकते हो। अगर कोई भी विंडोज़ का बटन क्लिक नहीं हो रहा है वगैरह नहीं हो रहा है तो हमेशा ट्राई कीजिएगा टास्क मैनेजर में आने के बाद ये वाली जो रन न्यू टास्क कमांड है इसको यूज़ करें, आपको शायद से हेल्प हो जाए। उसके बाद दोस्तों जो ऑप्शन है वो है सर्विसेज का ऑप्शन। सर्विसेज का ऑप्शन जो है यहाँ पर अगर आप लोग टैप करते हो ना तो यहाँ से बहुत सारी सर्विसेज हैं। जो इतने सारे सर्विसेज हैं ना इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग को नहीं चाहिए होता है उसको हम लोग अगर स्टॉप भी कर देते ना तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही सही हो जाती है। तो यहाँ पर इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो वगैरह भी है जिसकी मदद से आपकी जो परफॉर्मेंस है एनहेंस हो जाती है। तो ये सब यहाँ से आप लोग मैनेज कर सकते हो डायरेक्टली, और चाहे तो आप लोग डिटेल में भी मैनेज कर सकते हो। नीचे ओपन सर्विसेज का जो ऑप्शन है यहाँ से खोल सकते हो। एक्चुअली ये अगर खोलनी है ना तो आपको यहाँ पे विंडोज़ के बटन में जाकर रन कमांड टाइप करना होता है। यहाँ पे services.msc अगर टाइप करते हो तब जाकर वो चीज़ खोलता है। लेकिन अब इसको जो है डायरेक्टली टास्क मैनेजर में आके सर्विसेज में आके यहाँ पर जो है क्लिक करके डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। और उसके बाद आपको कोई भी चीज़ आप लोगों को छेड़खानी करनी है अगर आपको पता है नॉलेज है तो आप यहाँ से इजीली कर पाओगे। तो एडवांस यूजर्स के लिए था ये, अगर आप लोग एक्सेस करते हो तो यहाँ से भी कर पाओगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई? अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर प्रेस करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और ये टास्क मैनेजर के जो फीचर्स है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आप लोग को हमेशा यूज करनी चाहिए अगर आप एक विंडोज 10 के यूजर हो। तो आशा करूंगा पुराने वीडियोज को आपने चेकआउट किया है, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, नीचे सब्सक्राइब रेड बटन प्रेस करो, साइड में जो घंटी होता है वो भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट आप फ्रेश अपडेट से मिस ना करें। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए Stay alert, stay safe, bye-bye.